नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो आपकी 20 साल की पुरानी गैस को भी खत्म कर सकता है, वो आपके सिर दर्द को चुटकियों में दूर कर सकता है, आपको कितनी भी पुरानी जुकाम हो उसको खत्म कर सकता है, आपके शरीर में कहीं भी झुर्रियां हो उनको हटा सकता है, आपकी आँखों के नीचे अगर डार्क सर्कल है उनको भी खत्म कर सकता है, और 100 कम से कम ऐसे रोग हैं जिनको जड़ से खत्म कर सकता है। जी हाँ, ये आपकी रसोई में मिलता है। इसी को रसोई का मसाला जायफल कहते हैं। जायफल आयुर्वेद के हिसाब से वात पित्त कफ का नाशक बताया गया है। तो आइए सीधे सीधे जान लेते हैं जायफल के फायदों के बारे में। नंबर एक, आमाशय के उत्तेजक होने से आमाशय में पाचक रस बढ़ाता है जिससे भूख लगती है, आंतों में पहुंचकर वहां से ये गैस हटाता है। सुबह सुबह खाली पेट आधा चम्मच जायफल चाटने से गैस्ट्रिक सर्दी खांसी की समस्या नहीं बनती। पेट में दर्द होने पर 4 से 5 बूंद जायफल का तेल चीनी के साथ लेने से आराम मिलता है। जायफल सौंठ और जीरे को पीसकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को भोजन करने से पहले पानी के साथ लें। गैस और अफरा की समस्या खत्म हो जाती है। नंबर दो, अगर आपके बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, सर में दर्द वाली जगह पर आपको जायफल घिसकर लगा लेना है और आप आज ही ये काम कर सकते हैं। नंबर तीन, सर्दी के मौसम के दुष्प्रभाव से बचने के लिए जायफल को थोड़ा सा कुरचिए, चुटकी भर कतरन को मुंह में रखकर चूसते रहिए। यह काम आप पूरे जाड़े भर 1 या 2 दिन के अंतराल पर करते रहिए। यह शरीर के स्वाभाविक गर्मी पर रक्षा करता है, इसलिए ठंड के मौसम में इसका जरूर प्रयोग करना चाहिए। नंबर चार, आपको किन्हीं कारणों से भूख ना लग रही हो तो चुटकी भर जायफल की कतरन चूसिए, इससे पाचक रसों की वृद्धि होगी और भूख बढ़ेगी, भोजन भी अच्छे तरीके से पचेगा। नंबर पाँच, दस्त आ रहे हो या पेट में दर्द हो रहा हो तो जायफल को भून लीजिए और उसके 4 हिस्से कर लीजिए। एक हिस्सा मरीज को चूसकर खाने के लिए कह दीजिए, सुबह शाम एक एक हिस्सा खिलाएं। आप देखेंगे कि 2 ही दिन में आपका पेट एकदम दुरुस्त हो जाएगा। नंबर छह, फटी एड़ियों के लिए इसे महीन पीस कर बिवाइयों में भर दीजिए, 12-15 दिन में ही आपके पैर भर जाएंगे। नंबर सात, जायफल के चूर्ण को शहद के साथ खाने से हृदय मजबूत होता है और पेट भी ठीक रहता है। नंबर आठ, जायफल और काली मिर्च और लाल चंदन को बराबर मात्रा में पीसकर चेहरे पर लगाने से चेहरे की चमक बढ़ती है और मुहासे भी खत्म होते हैं। नंबर नौ, किसी को अगर बार बार पेशाब जाना पड़ता है तो उसे जायफल और सफेद मूसली 2-2 ग्राम की मात्रा में मिलाकर पानी से निगलवा दीजिए। दिन में एक बार खाली पेट 10 दिन लगातार ऐसा करें। नंबर 10, बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाए तो जायफल का चूर्ण और सौंठ का चूर्ण बराबर मात्रा में ले लीजिए, फिर 3 चुटकी इस मिश्रण को गाय के घी में मिलाकर बच्चे को सुबह शाम चटाएं। आप देखेंगे कि बच्चे को सर्दी जुकाम बिल्कुल ठीक हो गया है। नंबर 11, चेहरे की झुर्रियों को मिटाने के लिए आप जायफल को पीसकर उसका लेप बनाकर झुर्रियों पर 1 महीने तक लगाएं, तो आपको जल्दी झुर्रियों से निजात मिलेगी। नंबर 12, आंखों के नीचे काले घेरे हटाने के लिए रात को सोते समय रोजाना जायफल का लेप लगाएं और सूखने पर इसे धो लें, कुछ समय बाद काले घेरे हट जाएंगे। नंबर 13, अनिद्रा का स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और इसका त्वचा पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। त्वचा को तरोताजा रखने के लिए भी जायफल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए आपको रोजाना जायफल का लेप अपनी त्वचा पर लगाना होगा, इससे अनिद्रा की शिकायत भी दूर होगी और त्वचा भी तरोताजा रहेगी। नंबर 14, कई बार त्वचा पर कुछ चोट के निशान रह जाते हैं तो कई बार त्वचा पर नील और इसी तरह के घाव पड़ जाते हैं। जायफल में सरसों का तेल मिलाकर मालिश करें जहां भी आपकी त्वचा पर पुराने निशान हैं। रोजाना मालिश से कुछ ही समय में वे हल्के होने लगेंगे। जायफल की मालिश से रक्त का संचार भी होगा और शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी। नंबर 15, पेट में दर्द हो तो जायफल के तेल की 2-3 बूंदें एक बताशे में टपकाएं और खा लें, जल्दी आपको आराम मिलेगा। नंबर 16, जायफल को पानी में पकाकर उस पानी से गरारे करें, मुंह के छाले ठीक होंगे, गले की सूजन भी जाएगी। नंबर 17, जायफल को कच्चे दूध में घिसकर चेहरे पर सुबह और रात में लगाएं, मुहासे ठीक हो जाएंगे और चेहरा निखरेगा। नंबर 18, शिशु का दूध छुड़ाकर ऊपर का दूध पिलाने पर यदि दूध पचता ना हो तो दूध में आधा पानी मिलाकर इसमें 1 जायफल डालकर उबालें। इस दूध को थोड़ा ठंडा करके कुनकुना गर्म चम्मच कटोरी से शिशु को पिलाएं, यह दूध शिशु को हजम हो जाएगा।
इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।